हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें साथियों, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो साथियों, आप सभी को जैसे कि नई नई अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते रहते हैं, तो उसी क्रम में आज एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ पता लगी है साथियों, तो आप सभी के साथ उसको साझा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपडेट है जो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है साथियों। लाभदायक मतलब कि आप सभी के लिए बहुत ही पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाली है। जैसा कि आप सभी कई रीट के प्रतिभागी हैं, उन सभी को यह था कि रीट की वेटिंग क्यों मतलब कि देरी हो रही है, निकलेगी या नहीं निकलेगी, रिसफल का रिजल्ट का क्या होगा क्या नहीं, इस तरह से कई क्वेश्चन कई प्रतिभागियों के अंदर आ रहे थे और वो कह रहे थे कि कोई भी अपडेट हो तो सर तीव्र गति से जल्दी हमें हम तक पहुंचाना और हमें अपडेट से वाकिफ करवाना। तो साथियों, इसी क्रम में आप सभी की उत्सुकता का ध्यान रखते हुए ये अपडेट आप सभी को बता रहे हैं। तो साथियों, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हम आपको आश्वस्त करते हैं, यदि आपकी कोई भी परीक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल पर जल्द से जल्द अवगत करा दिया जाएगा। और हम यही नहीं, रीट के लिए ही नहीं, स्कूल व्याख्याता, पटवारी, ग्राम सेवक, कोई सी भी मतलब, और यही नहीं कि केवल राजस्थान बल्कि किसी भी पूरे भारत देश के किसी भी प्रदेश की कोई भी भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई प्रेस विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन, रिजल्ट आदि कुछ भी जारी होता है तो सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल पर अवगत कराया जाएगा। तो साथियों, लीजिए अब आपको आपके अपडेट से अवगत करवाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 आप देख पा रहे हैं साथियों, लिखा हुआ है। नीचे स्क्रॉल करके बताना चाहेंगे, देखिए 28,000 पदों पर निकली भर्ती, 6,000 खाली रह गए, अब वेटिंग वालों को मौका। बात कर लेते हैं साथियों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आप देख पा रहे हैं, बीकानेर से न्यूज प्रकाशित हुई है। ये देखिए, राज्य में 28,000 पदों पर निकाली गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल सेकंड में करीब 6,000 पद खाली रह गए हैं। मतलब कि साथियों, रीट लेवल 2 मतलब कि 6th से 8th क्लास के जो टीचर होते हैं उनके लगभग अभी भी इन 28,000 पद की भर्ती निकलने के बावजूद भी 6,000 पद अभी भी खाली चल रहे हैं, मतलब वेटिंग 6,000 पदों पर आना तय है। आगे की न्यूज़ पर देख लेते हैं साथियों क्या लिखा है। अब इन पदों पर वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, इसके लिए प्राथमिक शिक्षण निदेशालय स्तर पर काम चल रहा है। रिक्त रही इन 6,000 सीटों को भरने के लिए एक बार फिर से चयन रिशफल कर आरक्षित सूची जारी की जाएगी। चयन रिशफल होने के बाद अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर फिर से जिलों का आवंटन होगा। मतलब पहले चयन रिशफल की सूची जारी की जाएगी, उसके बाद में मतलब अब आपके जो भी वेटिंग वाले हैं उनका अब जिलों का, उसके बाद में आपको ये मतलब चयन करने के बाद में, चयन सूची के बाद में जिलों का आवंटन होगा। बात कर लेते आगे। हालांकि पूर्व में कार्यरत शिक्षकों से जिला आवंटन से पूर्व सहमति मांगी गई है, मतलब कि जो अभी हाल ही में जो लगे हैं लोग जो भी, तो उनसे पूर्व में अभी जो अभी लगे हैं इस भर्ती में उनसे ये पूछा गया है कि आप आपके जिला में चेंज चाहते हैं या फिर यही चाहते हैं। अगर वो चेंज चाहते हैं तो मान लो अपने गृह जिला में आते हैं तो फिर उस जिले में आपको पोस्टिंग की प्रायिकता मिलेगी जो आपके शायद घर से दूर हो सकता है साथियों, क्योंकि पहले इन्होंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता जो प्राय मतलब कि प्रायोरिटी जो यहाँ पर दी है इन्होंने, शिक्षण निदेशालय ने, वो पहले पूर्व में चयनित शिक्षकों को दिए, तो मतलब उनसे पूछा है कि आप अपने जिले में कोई भी परिवर्तन चाहते हैं या नहीं, या वहीं जाना चाहते हैं जो भी। तो बात कर लेते हैं आगे। अधिकारियों ने बताया कि चुनावी आचार संहिता से पहले वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तैयारी चल रही है। 2-3 दिन में अभ्यर्थियों को नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है। उधर नियुक्ति में विलंब से वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों में नाराजगी है। अभ्यर्थी पिछले 4 दिन से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि यदि शीघ्र नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए तो शिक्षा निदेशालय के सामने धरना देंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कल की न्यूज़ में आप सभी को पता है कि उपेन्द्र यादव जी बेरोजगारी कृत महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आप सभी को बताया था कि जल्दी मतलब कि अब अंतिम स्तर पर काम चल रहा है और कभी भी वेटिंग और रिशफल दोनों जारी हो सकते हैं। तो इस क्रम में जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि शिक्षण निदेशालय के स्तर पर काम चल रहा है, 2-3 दिन के अंदर अंदर जारी हो जाएगा। और इवन ये देखिए, शिक्षण निदेशालय ने तो, क्योंकि न्यूज़ बीकानेर से प्रकाशित हुई है तो बीकानेर से न्यूज़ शिक्षण निदेशालय के स्तर से ही प्रकाशित हुई होगी। और साथियों, तो वहाँ से देखिए इस न्यूज़ के अंदर बताया गया है कि शिक्षण निदेशालय तो आपको मतलब कि ये चुनावी आचार संहिता से पहले पहले नियुक्ति देने की बात कर रहा है साथियों। तो साथियों, अब आप सभी तैयार रहें और जल्द से जल्द आप सभी को अब नियुक्तियां
सरकार दिलाने के लिए तैयार है और मतलब अब बस केवल इंतजार है तो शिक्षा निदेशालय के स्तर पर जो जारी होने वाली वो रिशफल सूची और वेटिंग लिस्ट में से अनंतिम चयनित शिक्षकों के नामों की सूची का इंतजार है। अगर वो जल्द से जल्द जारी हो जाती हैं, शिक्षा निदेशालय अपना काम कर देता है, तो सरकार आपको नियुक्ति दिलाने के पक्ष में इस समय आपके साथ खड़ी है। तो साथियों, यदि आपको हमारे ये वीडियो अपडेट पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें साथियों, जिससे कि आपको नए नए इसी प्रकार के अपडेट्स के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद साथियों, एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे YouTube चैनल पर आने वाले नए नए वीडियोस और अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करें। और साथियों, हमारे यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें।